हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरंभ एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर वन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैप्टर वन है, ये किस इकोनॉमिक आइडिया के साथ डील करता है? ये डील करता है डेवलपमेंट के साथ। तो हम आज समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसको कैसे समझा जा सकता है, क्या उसकी डायमेंशंस है, कैसे कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज को या स्टेट्स को ऑन डेवलपमेंट पैरामीटर, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी हम एंड में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि डेवलपमेंट का आइडिया क्या है। हम जो है इकोनॉमी की जब बात करते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, खास करके 2014 इंडिया में जो है 2014 के आसपास जो है इलेक्शंस में ये बड़ा मुद्दा था कि विकास चाहिए। डेवलपमेंट की बात करिए आप, तो डेवलपमेंट जिसको हिंदी में विकास कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है डेवलपमेंट का? अगर हम बात करके जो डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग एक लेमेन लैंग्वेज में मैं कहूं कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो इट मींस द डिजायर्ड चेंज, डिजायर्ड चेंज दैट इंप्रूव्स वंस लाइफ। अगर डेवलपमेंट को सिंपली डिफाइन करना हो क्या, तो आप कैसे कर सकते हैं? वो चेंज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, सो दैट आपकी लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाए, वो डेवलपमेंट होगा। तो अगर जो आप चाहते हैं, हो सकता है दूसरा ना चाहता हो, दूसरे का आइडिया अलग हो, इसलिए जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो पर्सन टू पर्सन जो है डिफर करेगा। मान लीजिए कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, गांव की बात करके एग्रीकल्चरल वर्कर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या होगा? उसके लिए हो सकता है कि वो चाहता हो कि मुझे पूरे साल भर काम मिले, मेरी जो वेजेस है वो इंक्रीज हो, मेरे साथ अगर मान लीजिए गांव में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये ना हो। ये एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए हो सकता है। अगर आप बात करें एक प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब का, तो वो क्या चाहेगा कि मुझे मेरी जो भी फसल मैं उगा रहा हूँ उसका मुझे अच्छा दाम मिले, मेरी सारी फसलों पर MSP मिले, मुझे फ्री में बिजली मिल जाए, मुझे जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो इंक्रीज हो जाए। हो सकता है उसकी ये डिमांड्स हो, वो अपनी इस तरह से डिज़ायर्स देखता हो, वो सोचता हो कि ये सब चीज़ें होने से उसकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए जो डेवलपमेंट या विकास का जो आइडिया है वो ये हो सकता है। जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए डेवलपमेंट का आइडिया क्या हो सकता है? उसके लिए ये हो सकता है कि मुझे रोजगार मिले, है ना, मुझे अच्छी जॉब्स मिले, जितनी मेरी स्किल्स हैं उसके हिसाब से मुझे पैसा मिले, ये उसका डेवलपमेंट का आइडिया हो सकता है। अगर एक लड़की जो कि रिच अर्बन फैमिली से आती है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट का आइडिया हो सकता है? हो सकता है वो ये सोचती हूँ कि मुझे जो है मेरे ब्रदर के बराबर ही ट्रीटमेंट मिले, जैसे उसको ट्रीट किया जाता है ऐसी मुझे भी ट्रीट किया जाए, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मुझे भी बाहर या विदेश पढ़ने की अनुमति मिले, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर भी उतना ही खर्चा करें जितने मेरे भाई के ऊपर करते हैं, हमें इक्वल राइट्स मिले, हमें प्रॉपर्टी में भी सेम अधिकार मिले, तो ये उसका आइडिया हो सकता है। तो इसी तरह जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, आप किस रीजन से आते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, उसके हिसाब से जो आपका विकास का या डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो चेंज हो जाएगा। कभी कभी ये जो डेवलपमेंट के आइडियाज होते हैं लोगों के, सिर्फ डिफरेंट ही नहीं होते हैं बल्कि क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर है, उसका क्या आइडिया है कि उसको जो वेजेस हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उसी तरफ अगर आप फार्मर की बात करें, कोई बड़ा किसान है, है ना, बिग फार्मर है, तो वो क्या चाहेगा कि जो वेजेस हैं ये कम रहनी चाहिए, ये कम नहीं, अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो उसके जो प्रॉफिट है जो वो कमा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो सकता है, जो डेवलपमेंट का आइडिया है कभी कभी वो डिफरेंट के साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट आइडियाज एंड दीज आइडियाज मे नॉट ओनली बी डिफरेंट बट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हमने देखा कि डेवलपमेंट के जो आइडियाज हैं, इन जनरल अगर आप उसमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स निकालें, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, वो है इनकम का। सबसे पहली चीज जो सब लोग चाहते हैं वो क्या है कि उनकी इनकम इंक्रीज हो। अगर आप रूरल लैंडलेस लेबर की बात करें तो उसने क्या कहा
कि मुझे वेजेस बढ़ा दीजिए। कोई बड़ा किसान है वो तो क्या क्या कह रहा है कि एमएसपी जो है वो इम्प्रूव कर दीजिए, सभी क्रॉप्स की एमएसपी जो मुझे मिले, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिले। तो हर कोई क्या चाह रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो लोग डिज़ायर करते हैं, जो लोग चाहते हैं, क्योंकि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ इनकम ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आपकी इनकम बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने बात करी एक रिच अर्बन गर्ल की, तो बहुत अच्छी फैमिली में रह रही है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बट लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, उसको लगता है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता फैमिली में, सब उसके भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं या भाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो वो क्या चाहती है, वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहती है। अगर कोई दलित है तो दलित सबसे पहले उसकी डिमांड क्या होगी कि हमें भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, हमारी भी वही प्रिविलेजेस होने चाहिए जो कि एक अपर कास्ट को दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको आप एंड करिए। विमेन क्या चाहेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम इंक्रीज होने से नहीं है, डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो लाइफ एक जीने या जीना जिसको बोलते हैं कि हाँ हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, उस लाइफ को इम्प्रूव करना है, आपके एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने से डेवलपमेंट का मतलब है। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंक्रीज इन इनकम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, है ना, एनवायरमेंट जो है आपका कैसा हो, जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सके कि आप अपना फुल पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज कर पाएं, अपनी जो भी आपका टैलेंट है उसको फुल्ली डेवलप कर पाएं, आपको सीखने का जानने का जो है पूरा हक मिल सके। तो डेवलपमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है, उसका जो अल्टीमेट एम है वो क्या है कि फुल्ली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब डेवलपमेंट का हिस्सा होंगी। जब आप बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की कि एक नेशन का डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, तो देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जो है आपके डेवलपमेंटल गोल्स या जब जो डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस है वो डिफर करती हैं, सिमिलरली नेशनल लेवल पर भी अगर आप देखें, एक कंट्री के लेवल पर देखें, तो जो नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया है वो डिफर करेगा। जैसे कि अगर आप बात करें, हम बोलते थे कि हम गांधी के मॉडल पर चलना चाहिए, तो गांधी जी का अपना अलग आइडिया था नेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है, नेहरू का अपना एक अलग आइडिया था कि हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, क्या उसका पाथ होना चाहिए कि हम वो डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करें। इसी तरह अगर आज आप आज की बात करें तो डिफरेंट पार्टीज का जो विजन है वो डिफरेंट हो सकता है कि हम डेवलपमेंट कैसे हमें हासिल करना है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो नेशन टू नेशन भी डिफर कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ये हम देख ही चुके हैं। अब एक पिक्चर के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू यही चीज़ ये समझाना चाह रहे हैं। एक पिक्चर दी गई है जो एक स्काई स्क्रैपर बना हुआ है यहाँ पर, और साथ ही में क्या है, स्लम्स भी हैं, और यहाँ स्काई स्क्रैपर्स यानी कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं 20-25 माले की, तो इनके लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। एक और इन्होंने स्टडी दी है, एक अफ्रीका की कंट्री है आइवरी कोस्ट, उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ, जहाँ पर एक एमएनसी ने एक किसी लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि हमारा जो भी टॉक्सिक वेस्ट है उसको आप डिस्पोज करिए, तो उस जो लोकल कंपनी ने क्या किया, उसको कैसे डिस्पोज किया वो यहाँ पर बताया गया है कि उसने जो है उसको कोस्ट के आसपास ही कहीं पर डिस्पोज कर दिया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग बहुत सीरियसली बीमार हुए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिसमें जिनको की पॉइजनिंग की शिकायत की गई। तो ये जो सब डेवलपमेंट था, ये जो फ़ायदा हुआ, ये जो बेनिफिट हुआ, ये किसको हुआ और किस तरह से हुआ, एमएनसी को फ़ायदा हुआ, उस लोकल कंपनी को फ़ायदा हुआ, क्या उसके सिटीजन्स को फ़ायदा हुआ, है ना। तो हो सकता है कि जो भी आपके पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो एमएनसीज हैं
उनका जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो आपसे अलग हो सकता है, हो सकता है जो उनके हिसाब से अच्छा हो वो आपके लिए अच्छा ना हो। जैसे कि आप इंडिया के केस में अगर देखें तो जब हम बात करते हैं ट्राइबल्स की तो हम क्या कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, आपको खनिज का उत्पादन करना पड़ेगा, कोल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको आयरन ओर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये कहाँ पर है, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे ट्राइबल बेल्ट में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन बेल्ट्स में हमारे ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे आप आयरन ओर की बात करें चाहे आप कोल की बात करें। बट जब आप इनका एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं, आप प्रोड्यूस करने जाते हैं, तो क्या होता है आप इन ट्राइबल्स को क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो, वहां से हटा देते हो। तो आपने देश के विकास के नाम पर, आपने नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर उन क्या उन ट्राइबल्स का डेवलपमेंट किया, आपने तो उनसे उनकी जमीन छीन ली, उनके जंगल आपने छीन लिए, उनकी जो पूरी हिस्ट्री थी आपने वो छीन ली, उनकी जो स्किल्स थी वो सब वेस्ट हो गई। उनकी स्किल्स क्या थी कि वो जंगल में शिकार करके खाते थे या वो फ्रूट्स नट्स जो भी होते थे उनको गैदर करके खाते थे, बट जब आपने उनको जंगल से ही निकाल दिया तो आपने उनको क्या कर दिया, आपने तो उनको लेबर बना दिया, जहां वो मालिक थे मालिक से अब वो नौकर बन गए हैं, उनके पास कोई और स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो ये डेवलपमेंट किसका हुआ, ये डेवलपमेंट तो कुछ अमीर लोगों के लिए हुआ, कुछ कंपनीज के लिए हुआ। ट्राइबल्स का क्या इससे डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए आप देखते हैं कि इन एरियाज में नक्सलाइट का प्रॉब्लम है ना, वायलेंस आप देखने को इनमें मिलती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि तो आपका डेवलपमेंट हुआ हमारा तो नहीं हुआ। इसलिए जो नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया है वो भी कैसा होना चाहिए, जो सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखे, विच फुलफिल्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, है ना। आपका विकास, आपका डेवलपमेंट इस तरह से ना हो, नेशनल डेवलपमेंट इस तरह से ना हो कि सिर्फ कुछ ग्रुप्स, है ना, या कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उसका फायदा उठाएं और बाकी इंडिविजुअल्स या बाकी जो ग्रुप्स हैं वो उनसे उनको नुकसान हो। तो डेवलपमेंट जो है आपका कैसा होना चाहिए, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, जो सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, जो सभी सिटीजन्स के इंटरेस्ट का ध्यान रख करके सभी का डेवलपमेंट करे। अब बात आती है कि जब अगर आप कंपेयर करना चाहें कि हम डिफरेंट कंट्रीज को, मान लीजिए इंडिया, चाइना, यूएसए, आप कंपेयर करना चाहते हैं कि कितने किसने डेवलपमेंट किया है, या आप कंपेयर करना चाहते हैं कि यूपी, बिहार, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स ने कैसे डेवलपमेंट में परफॉर्म किया है, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए, आपको कुछ क्राइटेरिया चाहिए। जैसे आप क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में अगर आपको चार स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो आप कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक्स लेंगे, कोई क्राइटेरिया लेंगे कि भाई हम इनको जो है इनकी हाइट के हिसाब से कंपेयर करते हैं, इनके वेट के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ जो मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं किसी सब्जेक्ट में उसके हिसाब से देख रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में किसने अच्छा परफॉर्म किया है हम वो देखना चाहते हैं। तो आप कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई तो क्राइटेरिया उठाएंगे ही। इसी तरह जब आप कंट्रीज को कंपेयर करेंगे या स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको कोई ना कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट का जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है वो होता है इनकम। इनकम को डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है, ऐसा वाइडली एक्नॉलेज्ड है कि अगर किसी देश की जो इनकम है वो अच्छी होगी, वो ज्यादा होगी, तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो अपनी एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पा रहे होंगे, वो एक अच्छी लाइफ जी पा रहे होंगे। ये ऐसा माना जाता है कि अगर अच्छी इनकम होगी तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो फुलफिल कर पाएंगे। तो अगर अच्छी इनकम है तो ये माना जा सकता है कि वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है। तो एक इनकम को एक क्राइटेरिया मान लिया गया है डेवलपमेंट इंडिकेटर के लिए। एक डेवलपमेंट को अगर आपको देखना है, कंपेयर करना है, तो आप उसकी इनकम से उसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा माना जाता था, माना जाता है। अभी और भी इंडिकेटर्स जो है यूज करने लग गए हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। तो इनकम के हिसाब से, अब इनकम कैसी, देश की इनकम आप कैसे देख सकते हैं कि जो भी उसके रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम है टोटल, वही देश की टोटल इनकम होगी। भाई अब अगर आप बात करें कि इंडिया की इनकम कितनी है, तो इंडिया की अपनी क्या इनकम होगी, जो भी उसके सिटीजन्स की इनकम होगी, तो जो टोटल
इनकम है सिटीजन्स की, वही क्या होगी, वही हमारी इंडिया की जो है टोटल इनकम होगी। यूएसए की इनकम क्या हुई, जो यूएसए की सिटीजन्स की टोटल इनकम है वही यूएसए की इनकम हुई। लेकिन अगर आप सिर्फ टोटल इनकम को देखेंगे तो उसमें जो है इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम बहुत ज़्यादा हो, बाकी की इनकम कम हो, तो तब आप क्या करेंगे, तो वो इतना अच्छा पैरामीटर नहीं हो सकता। इसलिए इनकम को क्राइटेरिया तो लिया गया है, बट इनकम में क्या इनकम ली जाती है, देश की पर कैपिटा इनकम ली जाती है, एक एवरेज इनकम ली जाती है। एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, कि अगर कोई इंडिविजुअल, हम इंडिया में बात करें कि कोई इंडिविजुअल की एक एवरेज इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम पूरे देश की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये एक बेटर इंडिकेटर होता है, रादर देन अगर आप टोटल इनकम को कंपेयर करें तो पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर मेजर, क्योंकि एक एवरेज इनकम बता रही कि एक एवरेज इंडिविजुअल की इनकम कितनी होगी। तो अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक सभी कंट्रीज को जो है कैटेगराइज करता है, कंपेयर करता है, उसके हिसाब से कुछ कंट्रीज क्या है, रिच कंट्रीज हैं, कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज हैं और कुछ लो इनकम कंट्रीज हैं। रिच कंट्रीज कौन सी हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम किससे ज्यादा है, 12,056 पर एनम डॉलर, 12,056 से अगर ज्यादा इनकम है तो वो रिच कंट्री कहलाएगी। अगर उसकी इनकम $955 से कम है पर कैपिटा इनकम की यहां पर बात हो रही है, तो वो क्या होगी, वो लो इनकम कंट्री होगी। अगर इसके बीच में है तो वो मिडिल इनकम कंट्री होगी। तो इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया जो है एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, मिडिल में आता है। मिडिल में कौन सी, लो मिडिल इनकम। मिडिल में भी दो होती हैं, एक लोअर मिडिल और एक अपर, तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं। तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, अराउंड $1,820 पर एनम। जो रिच कंट्रीज हैं उनको जनरली हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, और जो कहना चाहिए लो इनकम कंट्रीज हैं उनको कहते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज। जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं उनको जनरली कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनकम के बेसिस पर जो है ये कैटेगराइजेशन किया गया है कंट्रीज का बाय वर्ल्ड बैंक। जो हम यहां पर बात कर रहे थे एवरेज इनकम की, कि हम एवरेज इनकम लेते हैं या पर कैपिटा इनकम लेते हैं जब हम कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, बट क्या ये पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, तो यहां पर उसकी एक कहना चाहिए ड्रॉबैक बताया गया है। यहां पे दो कंट्रीज ली गई हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। दोनों कंट्रीज में फॉर सिंप्लीफिकेशन कितने सिटीजन्स लिए गए हैं, ये माना गया है कि कंट्री ए में भी 5 सिटीजन्स हैं और कंट्री बी में भी 5 ही सिटीजन्स हैं। अब कंट्री ए उसमें जो पांचों इंडिविजुअल्स की इनकम है वो कैसे कैसे है, कि एक की 9,500 रुपए महीना है, एक की 10,500 रुपए है, एक की 9,000 है, एक की 10,000 है, एक की 10,200 है। एक कंट्री बी है, कंट्री बी में जो 4 सिटीजन्स हैं उनकी इनकम तो 500 रुपए है और एक की जो इनकम है वो कितनी है, 48,000 रुपए है। तो अगर आप यहां एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपको देखने को मिला कि दोनों का इक्वल है। एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम कंट्री ए और कंट्री बी की अगर आप निकालें तो दोनों की बराबर आएगी। बट अगर आप गौर से देखें, अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करें तो आप देख रहे हैं कि जो कंट्री ए है वहां पे क्या है, कंट्री ए में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा इक्विटेबल है। लोग बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे या बहुत कम नहीं कमा रहे हैं, लेकिन इतना कमा रहे हैं जो उनको जीने के लिए एक आरामदायक जिंदगी दे सकता है, और सब लगभग बराबर बराबर ही कमा रहे हैं, कोई 9, कोई 9.5, कोई 10, कोई 10.5, तो एक रेंज है ना जो कि मिलती जुलती है। लेकिन कंट्री बी में देखें तो एक आदमी तो अल्ट्रा रिच है और बाकी क्या है, बाकी सिटीजन क्या है, बिल्कुल गरीब है। उनकी इनकम कितनी है, सिर्फ 500 रुपए महीना, और दूसरे आदमी की ऑलमोस्ट 50,000।
तो जो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इनइक्वलिटी है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनइक्वल है, जबकि एवरेज इनकम अगर आप निकालेंगे तो दोनों की बराबर आएगी। तो जो एवरेज इनकम है वो ये नहीं बताता है कि आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हो सकता है उस देश की एवरेज इनकम बहुत अच्छी हो बट इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा हो, कुछ लोग बहुत गरीब हो और कुछ लोग बहुत अमीर हो, इसलिए एवरेज इनकम भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अब हमने कंट्रीज का देख लिया, अगर मान लीजिए आप स्टेट्स का देखना चाहते हैं तो जैसे इंडिया में इसमें बताया गया है कि हरियाणा, केरला और बिहार का कंपैरिजन किया गया है। इसमें बताया गया कि हरियाणा की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो वो सबसे ज्यादा है, 180,000 समथिंग है। केरला की देखें तो 163,000 है। बिहार की देखें तो सिर्फ 34,000 पर एनम आती है पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर आप जब पर कैपिटा इनकम के अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी देखते हैं, तो हमने कहा था ना कि इनकम जो है एक क्राइटेरिया हो सकता है बट सिर्फ इनकम के हिसाब से आप डेवलपमेंटल लेवल नहीं बता सकते हैं। तो उसी बात को यहां पर बताया गया है। जब हमने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा तो आप कहेंगे हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है ना, इनकम के हिसाब से तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन सा है? हरियाणा। और लीस्ट डेवलप्ड कौन सा है? वो बिहार आएगा इनकम के हिसाब से। लेकिन अगर आप कुछ और पैरामीटर्स पर नजर डालें, जैसे कि अगर आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को हमने क्या डिफाइन किया था, जिन बच्चों की डेथ अपनी फर्स्ट बर्थडे से पहले हो जाती है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ, वो क्या होता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। वो नीचे यहां पर डेफिनेशन दी गई है। तो हरियाणा की अगर आप बात करें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की तो वो कितना है? 30। केरला की बात करें तो सिर्फ 10 है और बिहार की बात करें तो वो 35 है। वहीं अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा में? 82। वहीं आप केरला की बात करें तो वो 94 है और बिहार में देखिए तो वो काफी कम है। इसी तरह आप अगर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है कि 14 और 15 साल के वो बच्चे जो कि स्कूल में है एज अ प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स, तो नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो वो कितना है? 61 है हरियाणा में, जबकि केरला में कितना है? 83 और बिहार में 43। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो हरियाणा में भी काफी हाई है जबकि केरला में कम है। सपोज कीजिए कि बच्चे कितने जो हैं अपने पेरेंट्स के अजीज होते हैं, तो अगर बच्चा होना जो है एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है ना एक साल से पहले पहले, तो आप सोचिए कि वो माँ बाप के लिए कितनी दुख की बात होगी। इसी तरह अगर लिटरेसी रेट कम है तो इसका मतलब ये क्या है कि उस स्टेट के जो जो भी सिटीजन्स हैं उस स्टेट में रहते हैं तो वो अपने आसपास की नॉलेज नहीं ले पाएंगे, वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकते हैं, वो अनपढ़ होंगे। तो इसी तरह अगर आप बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो की तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे हम देख रहे हैं कि बिहार में 43% ही नेट अटेंडेंस रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ के बच्चे ना तो वो इलिटरेट रह जाएंगे, ना उनके पास कुछ अच्छी स्किल्स होगी, ना वो अच्छी जॉब ले पाएंगे, ना ही अपनी लाइफ्स को वो इम्प्रूव करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। वहीं अगर आप केरला की बात करें तो केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम है, वहाँ का लिटरेसी लेवल भी ज़्यादा है, वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस मिले हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लोगों को टू डेवलप देयर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि हेल्थ ख़राब है लेडीज़ की, बच्चे पहले ही मर जा रहे हैं, है ना, लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, या फिर बच्चे जो हैं स्कूल से छोड़ करके कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये सब में केरला ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा? केरला ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, क्योंकि उसने जो ओवरऑल लाइफ है उसके अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, भले सी उसकी पर कैपिटा इनकम थोड़ी उससे कम है। तो इसीलिए जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप जब डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे,
तो आप जो है सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया मत लीजिए, बाकी क्राइटेरिया भी देखिए, बाकी इंडिकेटर्स भी देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। तो यहां पर बात हुई पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ आपकी इनकम से, सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि अच्छा एनवायरनमेंट है ना। अगर आप बात करें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की, तो क्या वो पैसे से खरीदा जा सकता है? अब मान लीजिए दिल्ली में इतना स्मॉग आता है, तो वो अमीर के लिए भी वैसा ही है, गरीब के लिए भी वैसा ही है। क्या अमीर कुछ ऐसा स्मॉग फ्री एनवायरनमेंट अपने लिए खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। क्या मान लीजिए जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा है, वो कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन अगर वहां आतंकवाद की समस्या ऐसी ही चलती रहती है, कई बार उनके स्कूलों को बंद करना पड़ता है, इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ता है, तो वो क्या अपने लिए अच्छी एजुकेशन खरीद सकता है? जब इंटरनेट डाउन होगा, जब उसके स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं खुल रहे होंगे, तो वो क्या वो सेफ्टी, वो क्या वो सिक्योरिटी जो चाहिए उसको, क्या वो खरीद पाएगा? तो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते हो, है ना। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है एक कलेक्टिव एफर्ट कि जो वो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको ही प्रोवाइड करी जाए। जैसे मान लीजिए एक गाँव में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, तो अगर मान लीजिए हर गाँव वाला जो है, जो भी हाउस होल्ड है, वो एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखे, वो हर एक अपना कोई कैमरा लगाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर वो गांव वाले मिलके अपने गांव की कोई बैरिकेडिंग करें, एक कैमरेज लगाएं जो भी उसकी बाउंड्री है, और एक दो गार्ड रखें, तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा? क्या वो अपने रिसोर्स का ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा? इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमें लाइफ में, वो किसको प्रोवाइड करनी चाहिए? जिसको हम बोलते हैं बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़, है ना, जिनको कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो अगर गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटीज या बेसिक एमिनिटीज देती है, जैसे कि क्या हेल्थ केयर, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि सिक्योरिटी, जैसे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये अगर सारी फैसिलिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ड्रिंकिंग वाटर जो आप पानी पी रहे हैं उसकी कैसी क्वालिटी है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, स्कूल्स हैं नहीं हैं, है ना, सैनिटेशन की सुविधाएं हैं कि नहीं है, सिक्योरिटी आपको मिल पा रही है, आप सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं कि नहीं रहते, ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर ये सब फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ के उस एरिया का, उस स्टेट का, उस रीजन का, उस कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स या अदर स्टेट्स या अदर कंट्रीज से। हमने हेल्थ केयर की बात करी, तो हेल्थ केयर में एक इंडिकेटर यूज किया जाता है जिसका नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स या फिर BMI। और ये BMI कैसे निकाला जाता है? जो भी आपका वेट होता है इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। मान लीजिए आपका वेट है 100 kg और आपकी हाइट है 2 meters, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना हो जाएगा? 25। एक पर्टिकुलर एज के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। कि मान लीजिए अगर आप 15 साल के हैं तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 24 होना चाहिए। मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 28 का होना चाहिए। इसी तरह ये बॉडी मास इंडेक्स मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है उनकी एज के हिसाब से। तो अगर आपका जो ये BMI है ये मोर देन जो भी अप्रोप्रिएट लेवल है उससे ज़्यादा है, तो आप या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, है ना। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स एक अप्रोप्रिएट लेवल से कम होता है तो आप अंडरवेट हैं या फिर आप अंडर नरिश्ड हैं। तो ये आपका हेल्थ स्टेटस जानने में मदद करता है। अब जैसे हमने बात करी है कि अगर आपको डेवलपमेंटल लेवल देखना है, तो आपको डेवलपमेंट में इनकम के अलावा कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। जैसे हमने हेल्थ केयर में देखा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसा है, हमने लिटरेसी लेवल देखा कि एजुकेशन कैसा है, है ना। इनकम सिर्फ आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बता सकती है, लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हमें देखना होगा। तो एक ऐसा ही एफर्ट किया गया थ्रू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये देखा जाता है, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है
किस क्राइटेरिया पे? इसके तीन क्राइटेरिया होते हैं एचडीआर के, एक तो के हेल्थ के ऊपर देखा जाता है, दूसरा एजुकेशन लेवल के हिसाब से देखा जाता है, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि इनकम के हिसाब से है। तो इन तीन क्राइटेरिया के हिसाब से जो है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। तो ये HDI क्या है? एक कंपोजिट इंडेक्स है जो कि इन तीन इंडिकेटर्स पे जो है डिफरेंट कंट्रीज को कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबर के हिसाब से HDI कैलकुलेट होता है, और उस HDI का जो भी नंबर आता है उसके हिसाब से कंट्रीज को रैंक किया जाता है। जो लेटेस्ट HDI आया था 2020 में, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम काफ़ी पीछे थे। इवन हमारे जो नेबर्स, छोटे छोटे नेबर्स जैसे कि श्रीलंका है ना, वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इवन बांग्लादेश और नेपाल भी कुछ पैरामीटर्स में इंडिया से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारी हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से या नेपाल से अच्छी हो, बट हो सकता है कि हमने कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ उतनी अच्छे से प्रोवाइड ना करी हो जितना कि इन छोटी कंट्रीज़ ने प्रोवाइड करी हैं। जैसे आप बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा है। इसी तरह श्रीलंका ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, अपने लोग की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से वो HDI में हमसे ऊपर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक क्या है, एक मेथड है, एक टूल बनाया गया है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और इस डेवलपमेंट से पहले जो ह्यूमन लगाया गया है उससे आप ये एक नतीजा निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक जो अल्टीमेट मीनिंग है, ये जो एक कहना चाहिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो नेसेसरी चीज़ है, वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो अल्टीमेट एम क्या है कि हम ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं, इसके लिए उनको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको अच्छी हेल्थ केयर देनी पड़ेगी, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जब ही क्या होगा वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे। तो ये डेवलपमेंट का होल आइडिया है। फिर डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया गया वो हमने बताया कि इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? देखिए, जो डेवलपमेंटल लेवल है, मान लीजिए आज इंडिया का कुछ डेवलपमेंट लेवल है, आज हमारी जो ग्रोथ रेट है, इनकम का ग्रोथ रेट अगर आप बात करें, मान लीजिए हम 8% 10% तो ग्रो कर रहे हैं, है ना, हम बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। तो क्या हम हमेशा इसी तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं? क्या हमेशा हम ये ग्रोथ रेट बरकरार कर सकते हैं? उसका हमें जवाब खोजना चाहिए। क्या हम जो ये डेवलपमेंटल पाथ हमने चूज़ किया है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्या कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं हमारे इस डेवलपमेंट के? ये सब हमें सोचना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? मीटिंग दी नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि हम अपनी आज की जरूरतों को इस तरह से पूरा करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन्स है, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको अपनी नीड्स करने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहां पर एक कोट दिया गया है जो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आर forefathers, but we have borrowed it from our children. हमने जो आज हमारी दुनिया है ये हमने अपने forefathers से inherit नहीं करी है, है ना, ये उनकी देन नहीं है, बल्कि ये हमने उधार लिया है अपने बच्चों से, आने वाली generation से हमारा क्या है, ये कर्जा है। तो हमें उनका कर्जा वापस करना है, हमको उनको इसी स्टेज में देना है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो इस कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऐसे में, और आप यहां समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना जरूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि डेवलपमेंट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं,
या फिर जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करें तो लगातार जो वाटर टेबल है इंडिया में वो डिक्रीज होती जा रही है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है। खासकर कि अगर आप बात करें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन स्टेट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर का लेवल वो कम हो चुका है। वो क्यों कम हो चुका है? क्योंकि आपने डेवलपमेंट करना चाहा एग्रीकल्चर का कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए आप ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर के आए, उसमें आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया, आपने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया। ये सब चीज़ें क्या डिमांड करती हैं? हायर वाटर रिक्वायरमेंट। तो आपने जो अपने ट्यूबवेल्स थे उसमें से ज़्यादा पानी निकालना शुरू कर दिया, आपने ओवर यूज़ किया ग्राउंड वाटर का, जिसकी वजह से आज क्या है, इन स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है और आने वाले टाइम में ये वाटर डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, वहाँ पर क्या होता है, शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा है मराठवाड़ा रीजन में, जबकि वो वाटर डेफिशिएंट रीजन है। क्यों किया आपने शुगर केन प्रोडक्शन? कि आपने शुगर मिल्स लगानी है, आपको एरिया को डेवलप करना था, आपने वहाँ शुगर मिल्स लगाई, शुगर केन प्रोड्यूस जो है शुरू कर दिया आपने मराठवाड़ा जैसे रीजन में जो कि वाटर डेफिशिएंट था, और आज देखिए वहाँ ऐसी सूखे जैसी हालात बन जाते हैं। तो जो आपने रिसोर्सेज थे आपके, आप उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हो, ये आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो, आप उसको अंडर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप उसको ऑप्टिमल यूज़ कर रहे हो। तो कुछ रिसोर्सेज तो आपके ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि आप वो उसको रिप्लेनिश कर सकते हो। बट अगर आप उसको ओवर यूज करते हो, ओवर यूज करने का क्या मतलब हुआ, ओवर यूज करने का मतलब हुआ कि जो भी रिप्लेनिश हो सकता था आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, है ना, कि मान लीजिए रिप्लेनिश हो सकता है 10 लीटर और आप यूज कर रहे हैं 15 लीटर, तो हमेशा क्या होगा, वो रिसोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, वो डेफिशिएंट ही रहेगा, क्योंकि आपने जितनी की रिप्लेनिश कैपेसिटी थी नेचर की, जितनी तेजी से वो रिप्लेनिश कर सकता था, उससे ज्यादा तेजी से आपने उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी उतनी जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं जितनी तेजी से आप उनको यूज करते जा रहे हो। इसलिए बहुत सारे रीजन में आप देख रहे हैं कि जो जैसे वाटर है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी डेफिशिएंट होता जा रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम चेक करें अपने डेवलपमेंट के पेस को और सोचें कि क्या हम इसी पेस से ग्रो कर सकते हैं, क्या हमें अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपने डेवलपमेंट के पाथ को चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हमने जो गोल्स अपने सामने रखे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो इसी रास्ते से पाए जा सकते हैं, क्या हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉन रिन्यूएबल का क्या होता है, एक फिक्स्ड स्टॉक है, एक बार वो खत्म हो गया तो वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता है। जैसे कि आप बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जिससे आप क्या बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब निकलता है, केरोसिन। तो क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार वो खत्म हो गया है तो फिर वो दोबारा से नहीं बन सकता है। तो अगर आप क्रूड ऑयल की क्वांटिटी की बात करें तो दुनिया के पास कितना क्रूड ऑयल बचा है, सिर्फ अगले 50 सालों तक का। ये रिपोर्ट आई थी कब, 2018 में ब्रिटिश पेट्रोलियम की रिपोर्ट थी कि हमारे पास अब धरती पर सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है या इतना ही क्रूड ऑयल बचा है जो कि अगले 50 सालों तक हम सस्टेन कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, फिर क्या आप करेंगे, तो आपको इसलिए सोचना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप बात करें कि क्या हमारे डेवलपमेंट पाथ या जो हमने डेवलपमेंट किया है क्या उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। आज अगर आप बात करें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स की अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर आप उनकी इंटेंसिटी की बात करें, तो वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी वो आ रहे हैं, और इंटेंस का मतलब उनकी क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप नेचुरल डिजास्टर जैसे कि आप फ्लड्स की बात करें, ड्रॉट की बात करें, तो ये बहुत कॉमन हो गए हैं, है ना, हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल सूखा आ रहा है ना, और जो उनकी इंटेंसिटी है, जो टाइम पीरियड, जो उनका इम्पैक्ट है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है।
क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप एयर पॉल्यूशन की बात करें तो आज हमारा इंडिया का एटलीस्ट के हर बड़ा शहर जो है वो एयर पॉल्यूशन से जूझ रहा है। अच्छा पानी नहीं है हमारे लिए पीने के लिए। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस डेवलपमेंट के। तो इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करेगा? ये पीपल का भी ध्यान रखेगा कि जो लोग हैं उनकी सब जरूरतें भी पूरी हो पाए, जो बिजनेसेस हैं उनको प्रॉफिट भी मिल पाए, और जो हमारा प्लेनेट है वो भी मेंटेन रह पाए। तो इन तीनों चीजों को जो चीज पूरी करेगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो किसका ध्यान रखे? 3P का ध्यान रखे। पहला पी क्या है? हम जो लोग पीपल कि उनकी सभी नीड्स, उनकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो पूरी कर पाए। दूसरी चीज क्या है? प्रॉफिट, कि इकोनॉमिकली भी प्रॉफिटेबल हो, है ना, ऐसा ना हो कि हम नुकसान में जाएं। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक प्रॉफिट वाले तरीके से पूरी हो पाए। तीसरी चीज क्या है? प्लेनेट, जिस धरती पर हम रह रहे हैं हम ऐसा ना करें हम इसके रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरह से यूटिलाइज करें कि या तो वो खत्म हो जाए और आगे वाली जो जनरेशन है हमारी उसके लिए रिसोर्सेज ही ना बचे, या फिर बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हों इस प्लेनेट के लिए जो कि इस प्लेनेट को सस्टेन ही ना कर पाए। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा? जो इन तीनों चीजों का ध्यान रखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अब जो डेवलपमेंट का पूरा आइडिया है वो समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कैसे कंपेयर किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ये सब आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर 2 NCERT क्लास 10 का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।